अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर टू की। बच्चों देखिए, प्रॉब्लम नंबर टू क्या है स्टूडेंट, ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि जहां से आप ड्रॉप को छोड़ रहे हैं, समझ आ रही बात, यानी ये जो ब्लू लाइन है ये टैप को रिप्रेजेंट करती है जहां से बूंद बूंद करके पानी नीचे आता है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करती है। ये टैप और ग्राउंड लेवल के ऊपर लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जब टैप के अंदर से फोर्थ ड्रॉप निकलने ही वाली है बच्चों, टैप के अंदर से फोर्थ ड्रॉप निकलने ही वाली है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर टैप के अंदर से फोर्थ ड्रॉप निकलने ही वाली है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि थर्ड, सेकंड और फर्स्ट ड्रॉप ऑलरेडी निकल चुकी हैं और वो निकलकर नीचे आ चुकी हैं। समझ आ रही है बच्चों बात? देखिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसने कहा कि चौथी ड्रॉप तो निकलने ही वाली है टैप के अंदर से, क्योंकि ये ब्लू लाइन टैप को रिप्रेजेंट करती है और पहली ड्रॉप यहां से निकलकर ग्राउंड को टच कर रही है बच्चों। तो थर्ड ड्रॉप यहां कहीं बीच में होगी और सेकंड ड्रॉप यहां होगी, चौथी ड्रॉप निकलने ही वाली है, पहली ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रही है, बाकी की दो ड्रॉप यहां कहीं बीच में होगी। ये जो पूरी हाइट आप लोगों को दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 20 मीटर, ये हम लोगों को दे रखी है 20 मीटर, और ये कहा कि दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो कॉन्स्टेंट है। दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम है ना बच्चों वो कांस्टेंट है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, दो ड्रॉप के बीच के टाइम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि यहां है टाइम इक्वल टू जीरो, माना कि ये वाली ड्रॉप निकल चुकी है टी टाइम, इतना ही टाइम यहां पर होगा टू टी टाइम, और ये टाइम अपना कहलाएगा थ्री टी टाइम। बच्चों समझ आ रही है बच्चों का? फोर्थ ड्रॉप हमारी टाइम इक्वल टू जीरो पर है, थर्ड ड्रॉप टाइम इक्वल टू टी पर है, सेकंड ड्रॉप टाइम इक्वल टू टू टी पर है, और फर्स्ट ड्रॉप है टाइम इक्वल टू थ्री टी पर। क्योंकि हम लोगों को कहा गया है कि दो ड्रॉप के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट है, यहां हमें ये नहीं कहा कि दो ड्रॉप के बीच का एक सेकेंड है, ये कहा कि टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट है। तो टाइम इंटरवल कॉन्स्टेंट होने का मतलब इस चीज से है बच्चों। अब आप देखो कि जो फर्स्ट ड्रॉप है ना हमारी, वो यहां से निकलकर ग्राउंड को टच कर रही है और ये वाला गैप आपको दे रखा है 20 मीटर। तो हम ऐसा करेंगे, मोशन की सेकंड इक्वेशन फर्स्ट वाली ड्रॉप के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन जब हम इस ड्रॉप के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो हम लोगों को दे रखी है 20, यहां से हमने ड्रॉप को छोड़ा तो ये पॉइंट हमारे पास में ओरिजिन है, रेस्ट से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ने का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर है। ये जो 20 मीटर है ये ओरिजिन के नीचे है, इसीलिए माइनस के 20, चाहे आप ना भी लो क्योंकि दोनों तरफ से ये कैंसिल आउट होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, टाइम लग रहा है 4t, देखो 4t, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, सॉरी 3t टाइम लगेगा बच्चों, 3t टाइम, यहां से लेकर यहां तक आने में 3t टाइम, प्लस के हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू माइनस के 10, और यहां हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट, माइनस के 20 इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल आउट, माइनस के 5, और ये हो गया है 9t स्क्वायर। समझ आ रही बात? माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, यहां आ गया है 4, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, टी इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड। लो भाई, इधर से स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट लगाएंगे तो इतना टाइम हम लोगों को लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड यहां से लेकर यहां तक आने में। बताइए समझ आया या नहीं आया? ठीक है, यानी टाइम की वैल्यू 2/3 सेकेंड है, निकल चुका है। अब आपसे ये पूछा कि बताइए जो सेकेंड ड्रॉप है वो टैप से कितना नीचे है। देखो सेकेंड ड्रॉप हमारी यहां पर है भाई, डिस्टेंस हम लोगों को गिवन थी, यहां से लेकर यहां आने का टाइम भी हमें गिवन था, तो हमने टाइम की वैल्यू निकाल दी 2/3। अब ये जो सेकंड वाली ड्रॉप है ये टैप से इतना नीचे है, बताओ इतना नीचे है या नहीं है?
अब ये वैल्यू निकालने के लिए हम अगेन मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। जब हम दोबारा से मोशन की सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा बच्चों, जरा देखिए। ये वाली हाइट निकालने के लिए भाई देखो, अगर यहां से लेकर यहां तक की हाइट निकालनी है तो सेकेंड ड्रॉप ने यहां से चलना स्टार्ट किया यानी रेस्ट से, तो यू हो गया जीरो। यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम लगता है 2t, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2t से, प्लस हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू हो गई माइनस के 10, समझ आ रही है बच्चों बात, और टाइम की वैल्यू हो गई 2t का होल स्क्वायर। टी की वैल्यू है आपके पास में 2/3, यहां हम लोग पुट करेंगे। सो मैंने माना कि ये वाली वैल्यू है एच इज इक्वल टू, दो से ये कैंसिल आउट, माइनस के 5, 2t का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू है 4/9, माइनस के 5, 4 इंटू 4/9 मीटर। लो भैया, जो सेकेंड वाली ड्रॉप होगी वो टैप से इतना नीचे होगी स्टूडेंट। सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोगों को चलना है, सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। अगर प्रॉब्लम आई तो ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे।